आप तो पुजारी ही बन जाइए, क्योंकि आपको तो देश से कोई अपडेट ही नहीं मिलती है। आप तो ऐसे ही बैठे हैं, जैसे लगता है आप प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी, आप अपने पद को संभालिए, आप अपनी गरिमा रखिए, क्योंकि जिस तरह से आप काम कर रहे हैं ये आपके पद को शोभा नहीं देता। देखिए, विकास की बात की जाए तो अखबार में प्रचार में ये दिखाते हैं, यूपी की सड़क को कोलकाता की सड़क दिखाते हैं, और बिल्डिंग दिखाते हैं तो अमेरिका की बिल्डिंग दिखाते हैं। ये विकास हो रहा है? अब गलती से छप, लेकिन मोदी जी तो विकास की बात कर रहे हैं। अब देखिए ना, वहाँ बनारस गए हैं, वहाँ एक महीने का उनका पूरा प्लान है, तो वहाँ भी विकास की बात ही कर रहे हैं ना। विकास की देखिए, वो बात ही करते रह जाएंगे, उनकी बातें ही नहीं खत्म होती हैं। जो बातें करते हैं वही एक कल परसों में जुमला बन जाती है। और देखा जाए जिस तरह से वो बातें करते हैं, फिर से हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। संदीप मिश्रा, आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती क्या? न्यूज़पेपर में देखिए कितने विकास के झंडे गड़े ऐड आते हैं, विकास पेज पे विकास का ऐड आता है। देखिए, विकास की बात की जाए तो अखबार में प्रचार में ये दिखाते हैं, यूपी की सड़क को कोलकाता की सड़क दिखाते हैं, और बिल्डिंग दिखाते हैं तो अमेरिका की बिल्डिंग दिखाते हैं। ये विकास हो रहा है? अब गलती से छप जाते हैं फोटो, गलती से छप जाते हैं। अखबार वाले तो सारे गलत ही हैं, सब कुछ गलत ही कर रहे हैं। मोदी जी, सब आपसे तंग आ गए हैं। अब आपने बोला था कि हम तो फकीर हैं, हम तो झोला उठाकर चले जाएंगे, अब आप अपना झोला उठाकर चले ही जाएंगे। कहाँ जाएंगे? उनने देश हित में सब कुछ छोड़ दिया और आप कह रही हैं झोला उठाकर। क्या छोड़ दिया उन्होंने? 80 लाख के तो कोट, असली 80 लाख के तो कोट पैंट पहनते हैं, वो सब छोड़ देना चाहिए ना। क्या चाहती हैं कि प्रधानमंत्री जी फटे हुए कपड़े पहने क्या? देखिए, फटे हुए कपड़े मत पहनिए, हम अच्छा है कि आप 80 लाख के कपड़े पहनते, कोट पैंट पहनते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री को पहनना भी चाहिए, फिर बाद में तो आप उसे बेच देते हैं, बाद में आपको शोपीस में लग देते हैं। वो गलत है मोदी जी, ऐसे तो कोई भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। एक सम्मानित पद पे हैं और आप उनके लिए ऐसी बात कर रही? प्रधानमंत्री है, सम्मानित पद है कुछ उसकी तो गरिमा? सम्मानित पद है जी, बिल्कुल सम्मानित पद है, लेकिन जिस तरह से वो हिंदू मुसलमान, अब देखिए हर, अब जैसे उन्होंने कंगना रनौत जी को जेड प्लस की सिक्योरिटी दे रखी है, पद्मश्री दे रखा है, इस लायक नहीं है। मेरे को तो लगता है कि उन्हें तो उनकी एक्टिंग को देख के मिला है, पद्मश्री तो एक्टिंग को देख के मिला है। देखिए, एक्टिंग अकेले नहीं करती है, सुष्मिता सेन जी भी करती है, ऐश्वर्या राय जी भी कर रही है, और उनसे बेहतरीन एक्टिंग करती है, उनसे बड़े बड़े काम भी करती है, उनको तो पद्मश्री नहीं मिला। तो कंगना रनौत देश हित की भी तो बात करती है ना साथ में? देखिए, देश की तो बुराइयां कर रही है, देश के तो कहाँ से देश हित की बात करती है, वो तो देश की आजादी को ही भीख बोल रही है कि कांग्रेस के कटोरे में मिले भीख है, उस देश हित की क्या बात करेंगे। तो आप ही बता दीजिए ना, 2014 में कौन सी ऐसी आजादी की लड़ाई हुई है? देखिए, आप भी, मेरे को लग रहा है आप भी गोदी मीडिया वाली बातें कर रही हैं, आप भी लग रहा है गोदी मीडिया से ही मिली हुई है, क्योंकि 2014 में कौन सी आजादी मिल गई? लग रहा है आप भी गोदी मीडिया ही, आप भी चाटुकार है मोदी जी की। 2014 में मोदी जी आ गए तो मतलब आपसे सवाल पूछो तो गोदी मीडिया हो गए। देखिए, सवाल पूछिए, आप गोदी मीडिया नहीं है, लेकिन आप ऐसे सवाल पूछेंगे कि मोदी जी 2014 में आजादी कौन सी मिली, आप भी बता दीजिए, तो आप भी गोदी मीडिया ही हैं। 1947 में कौन सी लड़ाई हुई है बता दीजिए ना। कंगना रनौत को पूछ रही है, अवार्ड वापस कर देंगी वो। देखिए, भगत सिंह जो फांसी पे लटे, भगत, कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया है, उन सब, वो सब इसलिए मर गए, वो भीख के लिए मरे थे, वो सब ऐसे ही। सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, अब वो क्या बोले, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें भीख दूं। क्वेश्चन से भटक रही है, 1947 में कौन सी लड़ाई हुई है, सीधे ये बताइए ना। देखिए, आप सब ने, हम भी पढ़ते हैं, हमने भी, हमारे लिए तो क्या देशभक्ति सिलेबस आ गया, हम पढ़ते हैं 1947 में, 1947 में इतनी बड़ी आजादी हुई, जिस तरह अंग्रेजों ने, अंग्रेजों से, जिस तरह से हमने अंग्रेजों को, हमने इस देश से भगाया था, ये बहुत बड़ी आजादी हुई। आप इतना नाराज क्यों हुए मोदी जी से? देखिए, मोदी जी से हम इसलिए ही नाराज हैं क्योंकि जिस तरह से वो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितने रेप के साथ है, कितनी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कितनी लूटपाट होती है महिलाओं के साथ, और देखा जाए अब जैसे वो बोलते हैं, इतनी सारी बातें बोलते हैं, वो जुमले निकलती हैं, जहाँ तरह उन्होंने बोला था व्यापारियों को उन्होंने लूट लिया, किसानों से बिना पूछे वो 3 काले कानून लिया है, उधर भी हमको अच्छा नहीं लग रहा। तीसरी बात, जिस तरह से उन्होंने बोला था कि हम जितने पैसे देंगे इतने लोगों को वो देंगे, वो सब नहीं दिया गया है। नहीं, अब वो मोदी जी तो बोलते हैं कि मैं देश हित के काम कर रहा हूँ, पाकिस्तान थर थर कांपता है, पाकिस्तान थर थर कांपता है, और चीन तो काफी नहीं रहे, जैसे चीन ने तो अभी हमारे इंडिया में एक गांव बसा लिया एक जगह। वो तो बोले कोई घुसा नहीं, घुसा ना, घुसा है ना कोई घुसेगा। आप तो वही देखते रहिए, आप तो काशी ही देखते रहिए, आप तो पुजारी ही बन जाइए, क्योंकि आपको तो देश से कोई अपडेट ही नहीं मिलती है। आप तो ऐसे ही बैठे हैं, जैसे लगता है आप प्रधानमंत्री हैं मोदी जी,
आप अपने पद को संभालिए, आप अपनी गरिमा रखिए, क्योंकि जिस तरह से आप काम कर रहे हैं ये आपके पद को शोभा नहीं देता। 56 इंच का सीना है, पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। 56 इंच का सीना हमारे को तो नहीं दिखता, आपको 56 इंच का सीना, चीन को भगाइए ना आप। अब पाकिस्तान को जहाँ कहते हैं एक सर के बदले 10 सर लाएंगे, एक के बदले 10 सर लाएंगे, वहाँ पे आपने 450 करोड़ वैक्सीन भेज दी गई है, कहाँ एक के बदले 10 सर ला रहे हैं आप। 56 इंच के सीने से थर थर तो कांपता है ना पाकिस्तान। देखिए 56 इंच का जो सीना है ये लाशों के अंबार कर रहे हैं और ये पत्थर बन चुका है यूपी चुनाव। लेकिन अगर यूपी चुनाव की बात की जाए, यूपी चुनाव में योगी जी ने कहा है अब की बार 350 पार। देखिए देखा ही जाएगा, वो तो आपके कहाँ से 350 पार आएंगे। मैं तो कह रही हूँ आपको 80 से भी ज्यादा मिल जाए वो ही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, लेकिन यूपी की अगर बात की जाए, विकास की गंगा बह रही है योगी जी की। विकास की गंगा बह रही है मान लीजिए, अब वो गंगा ही साफ करा दी थी आपसे, यही बहुत बड़ा काम। विकास तो कर रहे हैं ना, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया, कल परसों वही अंबानी अडानी को भेज देंगे, फिर उसका क्या कर रहे हैं, बना के बना तो रहे हैं ना, बनाते रहिए आप, कितना भी पैसे खर्च करते रहिए, जितना भी टैक्स लीजिए, जितना भी GST लीजिए, फिर उसे भेज देंगे। एयर इंडिया आपने भेज दिया, आपने रेल तेल जहाज भेल सब कुछ भेज दिया, बेचते ही रहिए आप। यूपी को गुंडा मुक्त कर दिए, अमित शाह तो दूरबीन से ढूंढ रहे थे, कोई गुंडा नहीं मिला। आपकी दूरबीन कैसे, आपकी दूरबीन ही नहीं होगी, आप तो कह दीजिए, आप एक बात बोल के चले गए, आपको क्या पता कहाँ यहाँ जहाँ लोग रहते हैं, जो आवाज में रहते हैं, उनसे पूछे क्या हो रहा है देश। अब अमित शाह ने दूरबीन लगा के जो फोटो इतना ज्यादा वायरल हो रहा था वो तो आपने देखा ना, गुंडे नहीं नजर आए उन्हें दूर दूर तक। भाई कमरे में 4 दीवारों के बीच में दूरबीन से देखोगे तो कहाँ से गुंडे दिखेंगे। और आप वो तो बोल रहे थे रात के 12 बजे भी कोई लड़की जेवर पहन के भी घूमे यूपी में, कोई कुछ नहीं कर सकता। देखिए उन्होंने बोला था कि जेवर पहन के एक्टिवा में निकल जाए रात के 12 बजे, कुछ नहीं होगा। उस बात में अमित शाह जी मैं यही कहूंगी कि अगर आप औरत होते, अगर आप एक महिला की बात समझ पाते, तब आपको पता चलता कि कैसे औरतें 12 बजे रात के निकल पाती। अब यूपी गुंडा मुक्त राज्य बना दिया और आप उसी पे सवाल खड़े कर रही हैं, स्मार्ट सिटी बना दी, गुंडा मुक्त राज्य बना दिया। देखिए आपके तो बीवी बच्चे हैं नहीं जो आपको पता हो कि कैसे परिवार को संभालते, कैसे परिवार को क्या चाहिए होते, क्या जरूरत चाहिए होती, कैसे कैसे एक परिवार का जो सदस्य होता है, जो मुखिया होता है, वो कैसे कैसे परिवार के लिए पैसे जोड़ता है, कैसे कैसे कुछ कुछ। तो अगर आप योगी जी से इतना खफा है तो प्रियंका गांधी ने भी एक नारा दिया, लड़ सकती हूँ। देखिए बहुत अच्छा नारा दिया उन्होंने, ये तथन की वजह से कितनी लड़कियों में जोश हुआ है, कितनी लड़कियाँ उनके तथन की वजह से बोल पा रही। लेकिन अगर चुनाव की बात की जाए, आपको क्या लगता है यूपी में कौन सी ऐसी पार्टी है जो आपके आपके संदीप मिश्रा आपके विचार जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है यूपी में कौन सी पार्टी है जो आ सकती है। देखिए मैं तो कहती हूँ कि आम आदमी पार्टी है एक तो, और दूसरा एक अखिलेश यादव जी की भी पार्टी आ सकती है, इन दोनों के चांसेस। लेकिन अखिलेश यादव जी की पार्टी क्यों, बीजेपी ने ऐसे कौन से खराब काम किए कि आप बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रही हैं। देखिए युवा के उनके खिलाफ रोष है, वो तो आप युवा से ही पूछिए, यूपी के गलियों गलियों में ही जाके पूछ लीजिए। रोजगार दिए, रोष नहीं है, रोजगार दिए है युवाओं को, रोजगार दिए या बेरोजगारी दी है उन्होंने, वो तो यही कह देंगे कि पकौड़ा तल्लो रोजगार मिल जाएगा। आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं ना आप, ही बता दीजिए आत्मनिर्भर भारत कैसे, आपसे मैं सवाल पूछती हूँ, आत्मनिर्भर भारत कैसे है। देखे नहीं आपने रोजगार के पोस्टर लगे, आप दिल्ली से आती है तो दिल्ली में देखिए, वो तो ये भी कहते थे 100 करोड़ की वैक्सीन के लिए मोदी जी आपका लाखों बारी धन्यवाद, ये तो बहुत हमारी गलियों में पोस्टर लगे, हमको कैसे, हमारे ही परिवारों हमारे ही गली के लोगों में आज तक वैक्सीन।